चंद्रयान 3 इतिहास रचने से अब महज कुछ ही घंटे दूर है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद इसरो लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मिशन का सबसे अहम और मुश्किल पड़ाव लैंडिंग ही है। 2019 में जब चंद्रयान 2 चांद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क टूट गया था। ऐसे में लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी अहम हो जाते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 के जैसी ही है। इस बार भी चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में चंद्रयान 3 को लैंड किया जाएगा, लेकिन इस बार लैंडिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 में जहां 500x500 मीटर का दायरा था, तो वहीं चंद्रयान 3 में इसे बढ़ाकर 4x2.5 किलोमीटर किया गया है। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया। ऐसे में इस बार सभी सावधानियां बरती गई हैं ताकि कोई गलती ना हो। इसरो चीफ ने बताया कि अगर लैंडिंग के वक्त कुछ गड़बड़ी होती भी है तो भी चंद्रयान 3 चांद पर उतर जाएगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर सेंसर में भी खराबी आई या 2 इंजनों में खराबी आई, उस केस में भी विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बशर्ते कि प्रोपल्शन में खराबी ना आए। विक्रम लैंडर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, गड़बड़ी के चांस बेहद ही कम है। अगर प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी ना आए तो सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ये वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसकी मदद से चंद्रयान 3 से अलग होने के बाद लैंडर ने आगे की यात्रा अकेले तय की। प्रोपल्शन मॉड्यूल शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट पेलोड से लैस है। चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं और नए सेंसर भी लगाए गए हैं। लैंडर और रोवर दोनों में चंद्रमा की सतह को स्टडी करने के लिए स्पेसिफिक पेलोड डाले गए हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व है। इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग के दौरान होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद की लेजर रेजिंग की स्टडी करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे। जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाँकें, वो प्रतिभा वो दिमाग कहां से लाओगे। बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पीछे ही और पराग कहां से लाओगे।